चार पंक्तियों से परवाज़ आज़ादी को जानते हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, चार किस्से पढ़ता हूँ, देखिएगा साथ। हसीन सुबह हसी शाम लेके आया हूँ, मोहब्बतों से भरा जाम लेके आया हूँ। हसीन सुबह हसी शाम लेके आया हूँ, मोहब्बतों से भरा जाम लेके आया हूँ। इलाहाबाद के संगम नगर से परवास, मैं गंगा जमुना का पैगाम लेके आया हूँ। अब बहुत अच्छा है पापा, मैं गंगा जमुना का पैगाम, मैं गंगा जमुना का पैगाम लेके आया हूँ। आपने हौसला दिया और हौसला देंगे तो मैं कुछ पढ़कर जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। मैं चार मिनट में कौमी एकजुटी से मुताबिक पढ़ता हूँ। दिल से दिल को हमें मिलाना है, नफरतों के दिए बुझाना है। दिल से दिल को हमें मिलाना है, नफरतों के दिए बुझाना है। प्यार की रोशनी हो चारों तरफ, ऐसा हिंदोस्तां बनाना है, ऐसा हिंदोस्तां है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे विधायक जी भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। चार दिन से और पढ़ता हूँ। सब धर्मों की ताकत को यकजा करके अपनी एक पहचान बना कर देखेंगे। खास तौर देखिएगा, चार दिन से पढ़ता हूँ। सब धर्मों की ताकत को यकजा करके अपनी एक पहचान बना कर देखेंगे। फर्क न हो हिंदू मुस्लिम और सिखों में, ऐसा हिंदुस्तान बना कर देखेंगे, ऐसा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है भाई, वाह वाह बहुत बढ़िया जी। बहुत हौसला दिया आपने जी जी जी, वाह। मैं चंद शेर और पढ़ता हूँ जी जी, गजल के चंद शेर पढ़ता हूँ जी जी। परवाज लिखिए। हाँ हाँ, फरमाइश बाद में, पहले मैं इनकी वाली हूँ। मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद शिवाजी का एक फरमाइश मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। गजल के चंद शेर खासतौर से देखिए, हिंदू मनु कहा है और मुसलमानों ने आदम कहा है, यानी कि इंसान साथ एक है। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ कौमी एकजुटी के हवाले से, आप देखिएगा। हम क्यों अलग अलग नई पहचान हो गई, हम क्यों अलग अलग नई पहचान हो गए, हम क्यों अलग अलग नई पहचान हो गए, हम क्यों अलग अलग नई पहचान हो गए। तुम रामदास हो गए हम खान हो गए, तुम रामदास हो गए हम खान हो। और एक मतला और बड़ा था फरमारी, हमारे कुछ गेस्ट आ गए हैं, मैं उनका भी दिल से स्वागत करता हूँ। तुम रामदास हो गए हम खान हो गए। और यह भी मतला खास तौर से मुरादा फरमाने, रिश्वत से अपने काम तो आसान हो गए, रिश्वत से अपने काम तो आसान हो गए, रिश्वत से अपने काम तो आसान।
फर्जी बिलों के दोस्त भुगतान हो गए, फर्जी बिलों के दोस्त भुगतान हो गए। और अमर जी ये शेर भी खास तौर पर लिखिएगा, किस किस को पूजा जाए पता तो चले हमें, किस किस को पूजा जाए पता तो चले हमें, किस किस को पूजा जाए पता तो चले हमें, पत्थर तमाम राह के भगवान हो गए, पत्थर तमाम राह के भगवान हो गए। क्या गुल खिला रहे हैं शराफत के नाम पर, क्या गुल खिला रहे हैं शराफत के नाम पर, क्या गुल खिला रहे हैं शराफत के नाम पर, कल के लुटेरे आज श्रीमान हो गए, कल के तेरे आज श्रीमान हो गए। हम मुफलसी की शहर में पहचान ही रहे, हम मुफलसी की शहर में पहचान ही रहे, हम मुफलसी की शहर में पहचान ही रहे, वो भीख मांग मांग के धनवान हो गए, वो भीख मांग मांग के धनवान हो गए। और एक गजल का मतलब चंद शेर, जी भाई, जी भाई स्वागत है, स्वागत है। एक मतलब दो शेर सुनिए, उसके बाद एक शिवम जी की फरमाइश छोटी सी गजल पढ़ देता हूँ। देखिए कौमी जयती का ये मुशायरा है, थोड़ा से आप लोग ये मन बनाइए कि एक आज का ये प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम साबित होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम बड़ी मुश्किलों से बड़ी काविशों से प्रोग्राम होता है, जिसको कामयाब बनाना आपका अपना इखलाकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको शेर अच्छा लगे तो अपनी तालियों से आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। विधायक जी खासतौर से देखिए मैं शेर सुनता हूँ, रोशनी में अमन के हालात होना चाहिए, हालात होना चाहिए, रोशनी में अमन के हालात होना चाहिए, हालात होना चाहिए, जुल्म की दुनिया में काली रात होना चाहिए, रात होना चाहिए, जुल्म की दुनिया में काली रात होना चाहिए, रात होना चाहिए। और शेर देखिए शायद ये कौमी एकजहती का ये शेर, खेल कोई भी हो बस मकसद यही हो जहन में, मकसद यही हो जहन में, नफरतों की बाजियों को मात होना चाहिए, मात होना चाहिए। चाहता है शहर में हर मोड़ पर इज्जत मिले, हर मोड़ पर इज्जत मिले, चाहता है शहर में हर मोड़ पर इज्जत मिले, हर मोड़ पर इज्जत मिले, आदमी की अपनी भी औकात होना चाहिए, औकात होना चाहिए। और ये दो तीन शेर में और पढ़कर अपनी जगह लेता हूं। शिवम रमी साहब को ये मेरी गजल बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए, थोड़ा से खुले दिल से आप समाज फरमा ले।
आओ दफना दे नफरत को हम प्यार से, आओ दफना दे नफरत को हम प्यार से, मसले हल नहीं होंगे तकरार से, मसले तकरार से। और शेर खास तौर से बुलाता फरमाए, लोग दीवाना कहने लगेंगे तुम्हें, लोग दीवाना कहने लगेंगे तुम्हें, लोग दीवाना कहने लगेंगे तुम्हें, सर न टकरा दीवार से, सर न टकराना पथरीली दीवार से। और ये शेर खास तौर देखिए, यहां पर हमारे हिंदुस्तान के मशहूर शायर फलक सुल्तानपुरी साहिबा की तशरीफ रखते हैं। मेरी आंखों को चाहत का तोहफा मिला, मेरी आंखों को चाहत का तोहफा मिला, मेरी आंखों को चाहत का तोहफा मिला, आ गई रोशनी तेरे दीदार से, आ गई रोशनी तेरे दीदार से। और ये शेर जो खास तौर से शिवम जी को पसंद है वो मैं शेर पढ़ता हूं, देखिए शायद आप लोगों को पसंद आए। तेरी हर चीज तो कीमती है बहुत, तेरी हर चीज तो कीमती है बहुत, तेरी हर चीज तो कीमती है बहुत, क्या खरीदे बाजार से, क्या हर बता तेरे बाजार से, शान से जल रहा है हमारा दिया। विधायक जी खास तौर से सुनिए आप, शान से जल रहा है हमारा दिया, चल रही है रफ्तार से, चल रही है हवा तेज रफ्तार से, खुल के परवाज कोई भी आता नहीं, खुल के परवाज कोई भी आता नहीं, कैसे बच पाओगे अपनों के वार से, कैसे बच पाओगे अपनों के वार से।